नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ विजन, खास करके उद्योगों को लेकर जो अपना दर्शन लेकर आ रही है, किस तरीके से वो लागू होगा, किस तरीके से छोटे छोटे उद्योगों को मौके दिए जाएंगे ताकि वो रोजगार जनरेट कर सकें और इसका लाभ जो है वो दूसरे लोगों को मिल सके और खास करके उद्योग में भी छत्तीसगढ़ अपनी जगह बना सके। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर नवीन जो औद्योगिक नीति होगी वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट छत्तीसगढ़ में की जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अर्थशास्त्री आ चुके हैं, हमारे आज के मेहमान हैं तपेश चंद्र गुप्ता जी। तपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमडानी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी गर्ग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, अध्यक्ष हैं उर्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा सा अर्थशास्त्र के लिहाज से हम चर्चा करें तपेश जी, वो ये कि आखिर खेती किसानी जो है छत्तीसगढ़ में एक बड़े पैमाने पर किया जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, और धान से जुड़े हुए जो दूसरे उत्पाद हैं, चाहे धान है, पोहा है, इस तरीके की चीजों का उत्पादन इनके मिल ऑलरेडी यहाँ पर है। लेकिन आपको लगता है कि नई जो सरकार, हमारी जो सरकार है, नई औद्योगिक विकास नीति को लाने के पीछे क्या मकसद है? क्या वो छोटे छोटे उद्योगों पर फोकस करना चाह रही है? क्या मकसद दिखता है आपको? सिर्फ छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य नहीं है, ये खनिज संपदा से परिपूर्ण और बहुत से मानवीय शक्तियाँ या ऊर्जा का स्रोत भी है। ऐसी दशा में हमारे पास नीति बना के चलाना और यहाँ के युवकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाना, इनके लिए हमें नई शिक्षा, नई उद्योग, नई वित्तीय योजना परियोजनाओं का हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, योजनाएँ बनानी पड़ती है, उसके क्रियान्वयन के स्वरूप को प्रदान करना पड़ता है। रही बात छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति जो बनाई गई है उसमें क्या चीज़ें प्रमुख हैं, आज के डेट में बेरोजगारी की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, शिक्षित लोग भी बाहर घूम रहे हैं, तब यह आवश्यक हो गया कि हम नई औद्योगिक नीति लाकर इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें। इस रोजगार की नीति जो बनाई गई है उसमें इंटर्नशिप की भी है, बच्चे लोग के प्रशिक्षु व्यवस्था की भी है, साथ में यहाँ पे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कार्य किया जाना है इनकी एक रूपरेखा तय की गई, खास तौर पे महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत के दृष्टिकोण से सर्व संपन्न या सरप्लस राज्यों में से एक है, ऐसे दशा में नितांत आवश्यक हो गया है कि हम वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर हम अपने शक्तियों का निर्धारण करें और ये तय कर लें कि हमको किस सीमाओं तक विकास करना है और उसकी स्थिति क्या होगी। इन चीजों को लेकर हमने जब ये तय किया तब औद्योगिक नीति में विद्युत ऊर्जा में कुछ छूट की बातें भी की गई, बड़े उद्योगों को उनके लिए नीतियां निर्धारित की गई। दूसरी तरफ ये बात भी तय हुई कि हमको रोजगार के लिए क्या क्या करना है, बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना है, जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करनी, ये सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए एक व्यवस्था दी गई। इससे प्रति यहाँ के खनिज संसाधन पर आधारित बहुत से उद्योग हैं, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो या उसके अन्य सहायक वस्तु, कृषि उत्पादन से संबंधित भी हमें कई चीजों की आवश्यकता होगी, कृषि के सहायक उद्योग की आवश्यकता होगी, उसके लिए भी व्यवस्था दी गई। जैसे आपने कहा पोहा मिल का, राइस मिल का, और पैरा जो निकल रहा है उसके कुट्टी बना के जानवरों के अनाज उगर का, ये दूध, ये योजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि अब हमको राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता की ओर बढ़ना है, ठीक है, और हमको प्रगतिशील मार्ग की ओर आना है, ठीक है। अमित जी, आपसे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँ क्योंकि अर्थशास्त्र के लिहाज से तपेश जी ने बहुत सारी बातें की कि कार्यान्वित योजना बनाई जा रही है कि कैसे रोजगार जनरेट किए जाएंगे और कैसे युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। ये एक योजना है, एक कल्पना है जिसको साकार करने की दिशा में सरकार काम करेगी। सवाल ये उठता है अमित जी कि जब हम उद्योग धंधे की बात करते हैं या किसी रोजगार में उद्योग लगाने की बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है फंड की, पैसे की, क्योंकि एक युवा आज रोजगार लगाना चाहता है लेकिन आप देखिए कई बार उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उद्योग भले ही छोटा उद्योग क्यों ना हो लेकिन उसके लिए उसके पास में उतना पैसा नहीं होता, उसके पास में उतना स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। आपको लगता है कि रोजगार जब उद्योग में बदलेगा तो उसमें आपको एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मार्गदर्शन भी चाहिए, कैसे इस पर कैसे काम करेगी सरकार, कोई विजन इस पर लेकर सरकार का? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया ज्योति जी। आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पूरी सरकार, मंत्रिमंडल, उद्योग मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी औद्योगिक नीति को लेकर आने का निर्णय लिया
जिसमें आपके सभी सवालों के जो जायज़ हैं उन सब के उत्तर समाहित हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जब हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमको छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर उद्योग लगेंगे, निवेश आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी होगा। अब तक की जितनी GSDP है हमारी छत्तीसगढ़ राज्य बनने से लेके अब तक 5 लाख करोड़ की, उसको 10 लाख करोड़ करने का 5 सालों में लक्ष्य रखा है हमने। तो एक बहुत बड़ी चुनौती विष्णुदेव साय जी की सरकार ने ली है, जिसको पूरा करता हुआ एक बहुत ही कारगर कदम है। जो सवाल आपने पूछा कि पैसे कैसे आएंगे, तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, मैं थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देना चाहूं जो व्यापारी वर्ग को समझ में आएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया अगर कोई अपने उद्योग में लगाता है, जिसमें बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य 1 करोड़ है, तो उसके उद्योग की जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से 35 लाख से 45 लाख रुपए तक, यानी माने तो 50% जो पैसा है वो सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है। यानी कि जो आधा खर्चा है आपके इन्वेस्टमेंट का वो सरकार खुद उठा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बात यहाँ रुकती नहीं है। अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से, तो उस लोन पे जो ब्याज लगता है उसमें भी 5 से 7 वर्ष तक आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 50% का वेवर या रीइंबर्समेंट वो सरकार करने जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहायता किसी उद्योगपति या व्यापारी के लिए होगी, जो जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो काम करना चाह रहा है। तीसरा, जब वो उद्योग लगाएगा या व्यापार शुरू करेगा तो उसे बिजली का भी भारी बिल भरना पड़ता है, तो सरकार ने विद्युत शुल्क में भी 6 से 10 वर्षों तक की छूट का प्रावधान रखा है। भू प्रीमियम में छूट रखी है, भूखंडों में आरक्षण की छूट रखी है, अन्य कई अनुदान रखे हैं। जैसे कि हम कई एग्रीमेंट करते हैं जब हम व्यापार शुरू करते हैं, जब बैंक से लोन भी लेते हैं तो उसमें एग्रीमेंट होता है, तो स्टाम्प का ही बहुत सारा पैसा लग जाता है, उसकी भी, उसके लिए भी सरकार कह रही है कि आप करिए, वो स्टाम्प की भी जो पैसा है उसको हम सरकार वहन करेगी, परिवहन का भी अनुदान देगी। तो ऐसे जितने भी खर्चे किसी नए व्यापार को शुरू करने के लिए करने होते हैं, सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात कही है कि सारे खर्चों को लगभग सरकार उठाएगी। हाँ, बात इतनी सी है कि हर उद्योग की एलिजिबिलिटी अपनी अपनी होगी। ज्योति जी, जी बिल्कुल। अमित जी, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में पूछूंगी कि क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से उद्योग इसमें शामिल होंगे, और वो तमाम चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उरला को हम देखते हैं कि वो पूरा इंडस्ट्रियल हब है, और आज का युवा नौकरी करने की जगह खुद का व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद कर रहा है, और ये अच्छी बात है कि युवा आज उद्योग धंधों की तरफ रुझान दिखा रहा है। आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्री लगाना या छोटे छोटे उद्योग MSME की तरह के तरीके से बात कर ले, आपको लगता है कि बहुत चुनौती होती है? सबसे ज्यादा युवाओं को ये लगता है कि अगर ये नहीं चला, अगर ये घाटा हो गया, अगर हम इस पे सक्सेस नहीं हुए, तो आप मुझे ये बताइए कि अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके के उद्योग धंधे में छत्तीसगढ़ में स्कोप आप देखते हैं, और मोटिवेट कर सके सरकार भी और आप जैसे अध्यक्ष भी कि इस दिशा में छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़ सकता है, अच्छी संभावनाएं आप देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये संकल्प लिया कि यहाँ हमारे देश के जो युवा हैं वो नौकरी ना करके अपना खुद का स्वरोजगार धंधा स्टार्ट करेंगे, और उसी को मोटिवेट होते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो उद्योग विकास नीति जो बनाई है 2024-30, वो वाकई में एक बील का पत्थर साबित होगी ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई युवा, आजकल के युवा जो हैं जो पढ़ाई करके शिक्षित होकर जो नौकरी की तलाश में जाते हैं और उनको अगर उद्योग लगाना है तो उनको क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि भी जैसे अभी अमित जी ने कहा कि भी सरकार ने बहुत सारे अनुदान जो हैं पहली बार उद्योग पॉलिसी में सम्मिलित किए हैं कि अगर कोई भी उद्योग लगाना चाहता है तो उसको पैसे की ज़रूरत जो पड़ती है वो कहाँ से उसकी पूर्ति हो पाएगी। सबसे पहला जो काम आता है वो आता है ज़मीन का। सरकार ने नए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए MSME के लिए घोषणा की है कि हम छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे जिसमें कि छोटे छोटे प्लॉट जो है वो उद्योगपतियों को, युवा उद्योगपतियों को एकदम नॉमिनल रेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि
जैसे बड़े शहरों में वर्टिकल बिल्डिंग्स बनती है, मतलब गाला सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप के शेड्स बनाएंगे जो 2,000-5,000 स्क्वायर फीट के रहेंगे, जिसकी लागत भी कम आएगी और जमीन की उपयोगिता भी उसमें कम लगेगी। तो उसमें एक ही बिल्डिंग में 4-5 लघु उद्योग जो है वो लग सकते हैं। अनुदान की जहां तक बात आ रही है, तो अभी अमित जी ने कहा है कि भी इस पहली बार ऐसा हुआ है कि 30% से लेकर 45% तक का कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, जिसको कि हम 30 लाख से लेकर 8 करोड़ तक की सब्सिडी हमारे को मिलेगी, रीएम्बर्समेंट होगा। ये कि बहुत ही बड़ा वित्तीय हमारे को सहायता प्रदान करेगी सरकार। और अन्य सब्सिडी में जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी हो गई, उसके बाद विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में जो छूट दी गई है 5 से 6 वर्ष तक की दी गई है, ऐसे बहुत सारी चीज दी गई हैं। और दूसरा, सरकार ने अगर जो हम कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसके मार्केटिंग के लिए भी उन्होंने प्रोक्योरमेंट एक सेल बनाने की बात कही है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारे PSUs जो हैं वो बाध्य होंगे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो जो उद्योग लगाने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है कि हम अपना मार्केट कैसे डेवलप करें, हमारे उत्पाद का मार्केटिंग कैसे करें, तो उसका भी सरकार के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है कि भाई हमारे प्रदेश में जो भी PSUs हैं या बड़े उद्योग हैं वो छोटे उद्योगों से माल की खरीदी करेंगे, और वो भी टाइम बाउंडिंग सिस्टम रहेगा कि उनका पेमेंट जो है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में 40-45 दिन के अंदर में उनका पेमेंट सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको पेमेंट मिले। जहां तक रोजगार की आप बात कर रहे हैं कि रोजगार नीति बनाई गई है पहली बार, उसमें ये कहा गया कि जो राज्य का निवासी जो है जो प्रथम बार अगर प्रशिक्षण करने जाता है तो सरकार के द्वारा उसको 15,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा, और उसके जो EPF के जो भुगतान है वो भी सरकार के द्वारा 75% दी जाएगी 5 वर्षों तक के लिए। तो ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो है इस उद्योग नीति में सरकार के द्वारा दी गई है, जिससे खासकर MSME उद्योग या लघु या सूक्ष्म उद्योग जो है वो उसमें बेनिफिटेड होगा। ठीक है, ठीक है। अमित जी, MSME या लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग की जब हम बात करते हैं, उसकी संभावना आप देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, खास करके आप अगर ग्रामीण इलाकों में देखें जहां पर वनोपज है। सीताफल देखिए आज हमारा बहुत बड़ी पहचान बन चुका है, हमारा बांस का उद्योग है, या जो बहुत ज्यादा वनोपज है, चिरौंजी है, चार है, ऐसी जो चीजें निकलती है, आपको लगता है कि इसकी जानकारी वहां तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार की कितनी जरूरत आप देखते हैं कि वहां के लोगों को इसकी जानकारी हो? क्योंकि मुझे लगता है ये कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि सरकार की जो मंशा है वो दूर दराज के युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को मिल सके। तो आपको नहीं लगता कि इस दिशा में और ज्यादा प्रयास की जरूरत है कि आज का युवा जमीन कहां पर खरीदेगा, उसे कितनी सब्सिडी मिले, या प्रोडक्ट उसका मार्केट किस तरीके से मिलेगा, प्रचार प्रसार की कितनी जरूरत और ज्यादा देखते हैं आप जानकारी को लेकर योजनाओं की? बहुत ही वाजिब आपने बात कही है, सरकार की कोई भी योजना नीचे तक तब जाएगी, अंतिम लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक तभी पहुंचेगी जब सरकार की एक तो संकल्प शक्ति हो और दूसरा उस व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी हो। तो अभी ही मेरी बात आज ही हुई और इसमें एक बात बहुत अच्छी सामने आई कि जो नई औद्योगिक नीति आई है इसको गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स विभाग अपनी तरफ से करेगा, या जो हमारा आज पैनल बैठा है बहुत ही बढ़िया बुद्धिजीवी पैनल है, गुप्ता साहब हैं, अश्विनी जी हैं, हम सारे लोग मिलकर के भी जिला में, डिस्ट्रिक्ट, गांव में, बाकी जगह, तहसील में नीचे जाकर के लोगों को किस चीज को लगाने से क्या फायदा मिल सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और सरकार के साथ आम जनता की भी सहभागिता हो, क्योंकि ये औद्योगिक नीति का जब लोग ज्योति जी लाभ लेंगे तो लाभ लेने वाले व्यक्ति को तो फायदा होगा, इससे 2-3 चीजें और होंगी। जैसे कि रोजगार की बात आ रही थी, उद्योग लगेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा, और इस बार की औद्योगिक नीति में रोजगार को लेकर एक स्पेशल स्ट्रेटजी का ऐलान किया है जिसको रोजगार रणनीति कहा गया है, और 5 सालों में 5 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसका कैलकुलेशन पूरा इस पॉलिसी में है, जिसमें एक चीज बहुत ही शानदार है जो पहली बार है, अश्विनी जी ने जिसका जिक्र किया, मैं सप्लीमेंट कर रहा हूं कि राज्य के निवासी को अगर कोई नौकरी पे रख रहा है कुछ सिखाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसका पैसा भी सरकार देगी, 15,000 रुपया एक व्यक्ति का। तो अपने आप में ये कोई छोटा कदम नहीं है, सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि हम 3100 रुपए की राशि धान खरीदी के लिए दे रहे हैं, हम महतारी बंधन में
70 लाख महिलाओं को हर बार 1,000 रुपए दे रहे हैं, और भी सरकार के खर्चे हैं, लेकिन उसके बाद जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, विष्णुदेव साय सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और जो इसमें प्रोविजन वो लेकर के आए हैं। एक और है कि जो निशक्त लोग होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, कोई प्राइवेट आदमी काम पे रखता नहीं है उनको, और उनका जीवन यापन बहुत तकलीफ दायक होता है। हम मानवता के आधार पर भी देखते हैं कि जो निशक्त हैं उनका सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, तो सरकार ने उनके लिए भी, अगर उनको कोई स्थायी नौकरी देता है तो उनके वेतन का 40% अनुदान जो है वो सरकार देगी, 5 वर्ष के लिए देगी, और प्रति कर्मचारी 5 लाख रुपए तक देगी। मुझे लगता है ये प्रोविजन सैल्यूट करने वाला प्रोविजन है। सरकार ने रोजगार की चिंता की है, सरकार ने उद्योगपतियों की चिंता की है, सरकार ने अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की चिंता की है, और सरकार ने निशक्त जनों तक की चिंता की है। तो ये औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी नीति साबित होगी। ठीक है, इस पर अगर इम्प्लीमेंट होता है तपेश चंद्र जी, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, आप देखिए कि अगर एक छोटा सा उद्योग कोई युवा लगाता है तो उसके अकेले के बस का तो ये संभव है नहीं, वो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ता है, 4 लोगों को जोड़ता है मतलब 4 लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इंटर्नशिप की बात हो, जमीन की बात हो, तो जमीन क्या एरिया डिसाइड है कि पर्टिकुलर इस जगह पे जमीन खरीदी जाएगी, उसमें सब्सिडी दी जाएगी? क्योंकि आपने देखिए खान पान का जो व्यवसाय है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, लघु जो उद्योग हैं, चाहे सजावटी सामान की बात कर लीजिए या वनोपज की बात कर लीजिए या मिलेट की बात कर लीजिए, ये उद्योग आज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इनको शहर में जमीन खरीदने की जरूरत है या छोटे उद्योग लगाने की जरूरत है, तो ये कैसे चिन्हांकित करेंगे कि इस जमीन पे हमें सब्सिडी मिलेगी या पहले खरीद के सब्सिडी मिलेगी, या इंटर्नशिप जो देंगे उसकी जानकारी कैसे होगी? ये थोड़ी सी मुझे लगता है समझने की जरूरत और है अभी हमें। सबसे पहले इंटर्नशिप का जवाब दो। जब औद्योगिक नीति बन रही थी तो लोगों से सलाह और परामर्श मांगे गए थे, तो नई शिक्षा नीति की योजनाओं में इंटर्नशिप को जोड़ने की बात भी हो रही थी, और उसी बीच में औद्योगिक नीति के लिए परामर्श मांगा गया था। तब मैंने ये चीज कहा था कि दोनों नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए इसके लिए व्यवस्था की जाए, तो ये व्यवस्था आई है, चाहे वो मेरे कहने से हुई या शासन के स्वविवेक से हुआ हो, लेकिन यह समन्वय स्थापित होने के कारण जो स्थिति बनी है उसे युवकों को कुशलता की ओर, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए और रोजगार के अवसर को विकसित करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी बात, अब मैदानी क्षेत्र में जहाँ औद्योगिक केंद्र स्थापित होना है, हमारे यहाँ CSIDC की इकाई है, उद्योग विभाग की ऑटोनोमी इकाई है, वो अपने विकास के लिए जो औद्योगिक केंद्र का चयन करती है, जिसमें अपने आवश्यक संसाधन देखता है, जहाँ तक सड़क नाली पानी की बात है वो बाद में स्वयं उसको विकसित करता है और उसका एक मूल्य निर्धारित करके उसको उद्योगपतियों को या जो हितग्राही है उनके लिए वो वितरित करने की व्यवस्था करता है। इन सब चीज़ों पर, इन सब बिंदुओं पर जब कार्रवाई होती है तो सरकार उसको प्रोत्साहन के लिए जो आप अनुदान कह रहे हैं, जो आप जिसे सब्सिडी कह रहे हैं, जिसे आप छूट कह रहे हैं, उसको एक ही लाइन में मैं कहूँ, उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार की राहत जारी करते हैं। ये राहत कई रूप में हो सकते हैं, या तो खरीदते समय छूट मिल जाए, या किसी भुगतान को करते समय कुछ छूट मिल जाए, या उसकी लागत निर्धारण करते समय कुछ छूट मिल जाए। 3 चरणों में होता है। मैं ज़मीन खरीदने गया, CSIDC ने कहा ये 2,500 का पड़ता है साहब स्क्वायर फीट, आप 2,000 दे के ले लीजिए, ये 20% डिस्काउंट हो गया। मैंने लोन लिया, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से ले रहे हैं। जी, अगर आप जाते हैं लोन लेने के लिए तो लोन के लिए जमानत राशि, तो उसमें भी कुछ छूट दे सकते हैं, ब्याज की दर में छूट दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, बोले नहीं साहब आपको हम कनेक्शन दे रहे हैं, आप अपना उद्योग चालू करिए। बिल, बोले बिल भी आपका कम करेंगे, पहले 2 साल 3 साल 5 साल जो निर्धारित करें योग्यता और पात्रता के अनुसार से वो तय करके वो देना शुरू करेंगे। ये सब चीज़ें जब निर्धारित होती है तब उद्योग आपकी ओर प्रोत्साहित होता है, आपकी ओर आता है। इस कारण कई बार बड़े उद्योग जो आते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल की हो या शिपिंग यार्ड होकर के, हमारे यहाँ तो इस चीज़ की संभावना शिपिंग यार्ड की कम है, पर जब ऐसा होता है तो राज्य सरकार उनको निःशुल्क जमीन या नाम मात्र के मूल्य पर जमीन देती है ताकि वहाँ उद्योग स्थापित हो, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसके आ जाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, वहाँ पे बाजार का भी विस्तार होता है, बाजार का भी निर्माण होता है, तो नागरिकों को उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें डेवलप होती है। जी,
तो बाजार बढ़ा तो रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिला तो संसाधन बढ़ेंगे, तो ये सब चीजें एक क्रमगत विकास की कड़ी है। तो प्राथमिक आधार होता है औद्योगिक दृष्टिकोण, अगर औद्योगिक दृष्टिकोण है तो समस्त विकास स्वतः ही होते चले जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा मेहनत या प्रोत्साहन की योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इन चीज़ों को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से विचार कर जो औद्योगिक नीति आई, देखिए मैं करीब 1987 से लगातार औद्योगिक नीति या अपने आयात निर्यात नीति का गहन अध्ययन करते आया हूँ, मैंने पहली बार ये देखा कि छात्रों को और युवकों को जोड़ने का इस तरीके से मोटिवेशनल या कहा जाए प्रोत्साहन युक्त योजना बनी, और इससे निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा और उद्योगों के आ जाने से प्रशिक्षण भी होंगे, प्रशिक्षण के कारण संसाधन बढ़ेंगे, आदमी स्किल होगा वो रोजगार में जाएगा और नहीं तो अपना स्वयं का व्यापार शुरू करेगा। ये आज बढ़ती हुई जनसंख्या में कुशल जनसंख्या का वृद्धि होना या रोजगार मूलक संसाधनों का विकसित होना नितांत आवश्यक था, जिसकी इन्होंने पूर्ति की। गर्ग जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि जैसे उरला को डेवलप किया गया है, जब हम उरला का नाम लेते हैं, बिरगांव का नाम लेते हैं या पर्टिकुलर किसी एक एरिया का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज तय होती है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इसका मतलब ये है कि वहां पर इंडस्ट्री है, छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री है, लेकिन दूसरे जो सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, वन उपज सेक्टर है, मिलेट सेक्टर है, अब दूसरे जो भी एमएसएमई उद्योग हैं, उनके लिए तो ये जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया में ही जगह मिले। क्या किन किन उद्योगों को या किन किन अवसरों को इसमें शामिल किया गया है ताकि इससे जुड़े लाभ उनको मिल सकेंगे? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि सरकार का जो फोकस है वो है स्मॉल सूक्ष्म और लघु उद्योगों के ऊपर, और इसके लिए कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है उसमें भवन का निर्माण, शेड का निर्माण कर, जो कि एक छोटे से एरिया में हो सकता है और एक ही शेड में जो है 5-7 तरीके के व्यवसाय आप कर सकते हैं। और जो क्लस्टर हमारे जो प्रदेश की जो भौगोलिक जो स्थिति है, मतलब हम हमारे पास वनोपज संपदा प्रचुर मात्रा में है, हमारे पास आयरन हो रहे हैं, मिनरल्स हैं, तो जरूरी नहीं कि हम जो है सिर्फ कोर सेक्टर की तरफ ही जाएं। हमारे को ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास वनोपज है तो उसको हम कैसे वैल्यू एडिशन उसमें कर सकते हैं, और सरकार का फोकस यही है कि इन जगहों को हम टैप करें और ये जो उत्पाद हैं जो वन से संबंधित हैं या आयुर्वेदिक के जड़ी बूटियों से संबंधित हैं, जिसकी बाहर दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा इसकी कीमत है, तो हम इन चीज़ों का प्रशिक्षण जो है जिला उद्योग केंद्र जो है हमारे हर जिला में हैं, उनके माध्यम से हम युवा शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको हम दें और उनको बताएं कि इस चीज़ से ये चीज़ बन सकती है और इस चीज़ की मार्केटिंग जो है आपको इस तरीके से दूसरे प्रदेश में करनी है, तो इसका लाभ सीधे तौर पर जो है वो युवाओं को मिलेगा। और अर्थव्यवस्था देखिए, कोई भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिना उद्योग के आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो जब तक उद्योग डेवलप नहीं होंगे जब तक हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं रह पाएगी। और चूंकि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है जिसमें काफ़ी पैसा खर्चा होगा, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत जो पड़ेगी, जो अर्थव्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी पूर्ति वो उद्योग आने से जो हमारे वैल्यू एडिशन होगा उससे हम अपने आगे के खर्चे जो हैं वो मीट आउट कर पाएंगे। अमित जी, चूंकि आप, मुझे लगता है कि आज जो नीति है, उद्योग नीति, शायद उसकी कॉपी लेकर ही बैठे हैं। हर बार ये होता है जब कोई योजना आती है तो उसकी प्रॉपर एक लाइन होती है कि इससे ये लाभान्वित होंगे, तो क्या कुछ ऐसा एरिया आप लोगों ने सेक्टर डिसाइड किया है कि इस सेक्टर में उद्योग लगाने पर ये है या दूसरे तरीके की? मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी एमएसएमई या लघु या सूक्ष्म उद्योग हैं उनकी क्या कोई लिस्ट आप लोगों ने बनाई है, या इससे जुड़ी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा लेना चाहें तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए, एक स्पेशल बात बताऊं कि इस बार की औद्योगिक नीति में सर्विस सेक्टर को भी जोड़ा गया है। कोई अपना व्यापार करता है या सर्विस प्रोवाइड भी करता है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा के, तो वो भी औद्योगिक नीति का लाभ ले सकता है। पहला, ये बहुत अच्छा पॉइंट। दूसरा, जो आपका बार बार प्रश्न है, जो बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है कि किसके लिए क्या है, तो कुछ जानकारी मैं दे रहा हूँ, बाकी तो वेबसाइट है जो हमारी सरकार की, उद्योग विभाग की, उसमें ये सारी पॉलिसी है।
जो छोटी यूनिट्स आप कह रहे हैं, चाहे वो मिलेट्स हों या बाकी जो किसानी से संबंधित काम होते हैं, तो सरकार ने ऐसी चीजों को विशिष्ट उत्पाद की श्रेणी में रखा है और इसकी जो सब्सिडी है वो अन्य उद्योगों से ज्यादा है। इसमें सब्सिडी 50% तक है, जो अधिकतम 450 करोड़ रुपए तक जाएगी, और इसमें जो कई प्रकार के टैक्स लगते हैं उसमें भी छूट का प्रावधान है। और ऐसे कुछ सेक्टर हैं, मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण है, गैर कास्ट वनोपज है, ग्रीन हाइड्रोजन है, बायोगैस है, रोबोटिक्स है, डेटा सेंटर है, आईटी है, डेयरी उत्पाद है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये विशिष्ट उत्पाद की श्रेणी में है, इस सेक्टर में लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। अगर इनमें कोई काम करता है तो उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, और बाकी काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दी। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगी, अश्वनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तपेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें लगता है हमारा छत्तीसगढ़ का युवा इस नीति का फायदा उठाएगा, स्वरोजगार करके अपने साथ साथ बहुत सारे युवाओं को भी रोजगार देने के लायक बनेगा और आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ समृद्ध हो सकेगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कैसे बनेगी विकास की नीति, छत्तीसगढ़ विजन पर खास चर्चा